नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ योगेश अग्रवाल। हमारा प्राचीन इतिहास बड़ा ही निराला है। भारत ने पूरे विश्व में अपनी सभ्यता का परचम कोने कोने में लहराया है। हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं धरोहर जितनी अनोखी है उतनी ही रहस्य से भरी हुई है। ऐसा रहस्य जो वैज्ञानिकों के लिए सुलझाना नामुमकिन सा हो गया है। आपने कभी ऐसा सुना है कि मंदिर के दरवाजा खुलने से पहले ही भगवान की आरती हो जाती है? ऐसा सच है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में त्रिकूट पर्वत पर माता मैहर देवी का मंदिर है। शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं तब वहां मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज आती है। कहते हैं कि अक्सर सुबह की आरती माँ के भक्त आल्हा और उदल ही करते हैं। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आल्हा माँ शारदा की पूजा करने सुबह सुबह पहुंचते हैं। मैहर मंदिर के महंत बताते हैं कि अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु वैज्ञानिकों की कई टीम भी डेरा जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। मैहर का मतलब होता है माँ का हार। मान्यताओं के अनुसार यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्ति पीठों में की जाती है। यहाँ माँ का दर्शन पाने के लिए करीब 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार आल्हा की भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर माँ शारदा ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। स्थानीय लोगों के अनुसार रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है, फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तो मंदिर में माँ की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से गले का हार त्रिकूट पर्वत के शिखर पर आ गिरा। इसी वजह से यह स्थान शक्ति पीठ और नाम माई का हार के आधार पर मैहर के नाम से प्रचलन में आता गया। चलिए हम आपको बताते हैं कि आल्हा कौन थे। बुंदेली इतिहास में आल्हा उदल का नाम बड़े ही आदर भाव से लिया जाता है। बुंदेली कवियों ने आल्हा का गीत भी बनाया है जो सावन के महीने में बुंदेलखंड के हर गांव गली में गाया जाता है। जैसे पानीदार, यहाँ का पानी आग, यहाँ के पानी में शौर्य गाथा के रूप में गाया जाता है। यही नहीं, बड़े लड़िया महोबे वाले खनक खनक बाजी तलवार आज भी हर बुंदेलों की जुबा पर है। आल्हा और उदल दो भाई थे जो बुंदेलखंड में महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कवि जगनिक ने आल्हा खंड नाम से काव्य की रचना भी की। कवि जगनिक कालिंजर के राजा परमार के दरबारी थे। आल्हा खंड में उन्होंने दो वीरों की 52 युद्धों का वर्णन किया है। काव्य में लिखा है कि आल्हा ने अपनी आखिरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी थी। आल्हा खंड में गाया जाता है कि इन दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। मान्यता है कि माँ के परम भक्त आल्हा को माँ शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। माँ के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी हथियार सादम मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। पिरामिड काल त्रिकूट पर्वत में विराजी माँ शारदा का यह मंदिर प्रसिद्ध इतिहासविद एक कनिंगम द्वारा काफी अध्ययन किया गया है। मैहर स्थित जन सूचना केंद्र के प्रभारी पंडित मोहन लाल द्विवेदी शिलालेख के हवाले से बताते हैं कि कनिंगम के प्रतीत होने वाले 9वीं व 10वीं सदी के शिलालेख की लिपि न पढ़े जाने के कारण अभी भी रहस्य बने हुए हैं। रहस्य कितना भी बना रहे लेकिन आस्था के सामने हम सभी को नतमस्तक होना ही पड़ता है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।